रैंडम रैंडम वेरिएबल वेरिएबल अच्छा दो किस्म के होते हैं हमारे एस टू के अंदर वेरिएबल के नाम से एक सेपरेट टॉपिक भी मौजूद है लेकिन ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम सारे किस्म के रेंडम को समझने कंसिडर कर रहे हैं तो एक किस्म का रैंडम वेरिएबल जो होता है is, और हमने जो एक पिछला टॉपिक देखा था पॉजॉन डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूशन वो भी एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो डिस्क्रीट वेरिएबल की अगर हम तारीफ देखें अगर उसकी हम डेफिनेशन देखें तो हमें याद आएगा क्या वॉट इज अ रैंडम वेरिएबल अ रैंडम वेरिएबल इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन चांस रैंडम वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू जो है वो चांस पे डिपेंडेंट है और डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जो काउंटेबल होता है सारी वैल्यूज uh, right? नहीं ली जा सकती होल नंबर वैल्यूज लेता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने एक टॉपिक हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखा था तो एक दफा उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीटल इज अस्टिंग ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल अगर हमें कहेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ तो हम क्या करते हैं तमाम उस रैंडम वेरिएबल की तमाम पॉसिबल आउटकम्स को लिस्ट डाउन करते हैं और उसकी कॉरस्पोडिंग प्रोबेबिलिटीज को भी लिखते हैं तो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज अ लिस्टिंग ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एंड द दॉपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज तो एग्जाम्पल बिल्कुल आसान वाला देख लेते हैं फेयर डाइस है इज थ्रोन एंड द द रैंडम वेरिएबल एक्स कैन टेक वैल्यूज एंड और हमें कहा जाता है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए ड्रॉ अप्रो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एक्स तो हम क्या करेंगे भाई uh, फेयर डाइस में छह आउटकम्स होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तमाम आउटकम्स को स्टेट करेंगे और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज जो कि वन अपॉन सिक्स होंगी क्योंकि फेयर डाइस है लिहाजा हर आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है और फिर हमें ये बात पता है कि जब हम तमाम प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देते हैं तो द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इक्वल्स प्रोबिलिटी तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम जो है वो वन के बराबर होता है सही है ये एस वन वाली बातें चल रही फिर हमने ये सीखा कि अगर हमें एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस निकालना हो ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के आमूलाज क्या थे सिग्मा एक्स पी एक्स मतलब क्या है हर आउटकम को कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें और फिर तमाम को ऐड कर दें तो अगर हम यहां मुझे कोई कहता है कि भाई एक्सपेक्टेशन निकाले तो मैं कैसे निकालूंगा सबसे पहले मैं एक्स को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो इफ आई स्टार्ट मल्टीप्लाइंग तो यहाँ अगर आप नोटिस करें तो सबसे पहले वन इंटू वन सिक्स हो जाता है

सबको ऐड तो तो कॉमन ही है तो सब हो जाएंगे, X to, X 21 6. ये हो जाएगा हमारा एक्सपेक्टेशन सही है अच्छा अब इसको अगर हम देखें तो ये थ्री पॉइंट फाइव बनता है तो एक्सपेक्टेशन इज इक्वल्स टू थ्री पॉइंट फाइव अच्छा फिर हमें कहा जाता है कि भैया और वेरियंस जब निकालने को कहा जाता है तो वेरियंस का फॉर्मुला भी हमें पता है कि हर वैल्यू जो होती है उसको स्क्वायर करते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और सबको ऐड कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटीज एंड देन जब सारे आ जाए तो उनको क्या कर देना है सिग्मा और फिर उनमें से मीन का स्क्वायर क्या कर देना है भाई माइनस कर देना है सही है

और उसमें से माइनस कर दूंगा मैं एक्सपेक्टेशन यानी कि 3.5 का होल स्क्वायर तो जरा कैलकुलेट करें तो यहां से आपका आंसर आ रहा है 35 फाइव अपॉन ट्वेल्व जो आंसर आ रहा है दैट इज 35 फाइव अपॉन ट्वेल्व और इसको अगर मैं डेसिमल्स में दूं तो भी दे सकता हूं थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में अगर मैं इसको स्टेट करूं तो ये बन जाएगा टू करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स

दैट वुड बी जैसे हम करते हैं यूजुअली एफ एक्स इज इक्व टू टू एक्स प्लस वन वट इज दिस टू एक्स प्लस वन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो अब जब मुझे कहा जा रहा है कि एक लीनियर फंक्शन ऑफ अब बताओ तो दैट वुड बी एक्स प्लस बी जैसे एम एक्स प्लस सी होता है उसको मैंने ए से मल्टीप्लाई किया और बी उसमें प्लस किया अच्छा आप समझ लेंगे रैंडम वेरिएबल क्या है तो रैंडम वेरिएबल की मुख्य वैल्यूज है हमने एस वन के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ डाटा उसमें हम इस तरह की चीज करते थे भाई, और 2, 4, 6, 8, और 10, जिसमें आपको लिख कर बताता हूँ एक्स की बहुत सारी वैल्यूज है सेवन है नाइन है इलेवन है, है, है ये पांच वैल्यूज हैं अब मुझे कोई कहता है भाई कि एक न्यू हाँ हमने एस वन में जो सीखा था उसमें क्या करते थे? एक को करते थे. तो भाई अगर लेट सपोज एक्स का डाटा दिया हुआ है तो X -2 का X -20 का डाटा डाटा निकालें से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और उस पर थ्री को क्या करना है एड करना है तो एक नया रैंडम वेरिएबल आ जाएगा वाई जब मैं एक रैंडम वेरिएबल किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं और उस रैंडम वेरिएबल में कुछ ऐड करूं अच्छा सिर्फ मल्टीप्लाई करूं कुछ ऐड ना करूं या फिर सिर्फ ऐड कुछ मल्टीप्लाई ना करूं या दोनों करूं कि एडिशन भी करूं और मल्टीप्लिकेशन भी करूं तीनों केसेस के अंदर जो हासिल होने वाला रिजल्ट होगा उसको एक नए रैंडम वेरिएबल का नाम दिया जा सकता है जैसे मैं आपसे जो कह रहा था वो ये कह रहा था वाई इक्व एक्स प्लस बी एक्स वेरिएबल में जब मैंने बी प्लस किया तो एक नया रैंडम वेरिएबल आया वो वो जो नया आने वाली चीज है वो भी तो वेरिएबल है क्योंकि हर वैल्यू वो वेरिएबल की हर वैल्यू में जब मैं कुछ ऐड करूंगा तो जो तमाम वैल्यूज नई वाली आएंगी वो तमाम डिफरेंट होंगी तो इसीलिए वो भी वेरिएबल होगा इसी तरह वाई इक्व टू एक्स ये भी हो सकता था यहां मैंने क्या किया वाई इक्वस टू ए एक्स प्लस बी मतलब ये कि रैंडम वेरिएबल की हर वैल्यू में एक ए A को मैंने मल्टीप्लाई भी किया और उसमें बी को ऐड भी किया तो लेट सपोज अगर एक्स आपके सामने मौजूद है और मैं आपसे कहता हूँ टू एक्स प्लस थ्री निकाले तो टू टू वैल्यू थी टू टू जो प्लस थ्री सेवन हो जाएगा टू फाइव जन प्लस थ्री थर्टीन हो जाएगा टू सेवन जोटीन प्लस थ्री सेवनटीन हो जाएगा और टू नाइन जन प्लस और फिर आ जाएगा टू इलेवन ट्वेंटी टू प्लस थ्री ट्वेंटी आप देख सकते हैं मिनट तो आप देख सकते हैं कि एक रैंडम वेरिएबल दिया हुआ था उस रैंडम वेरिएबल की बेसिस पर मैंने एक नया रैंडम वेरिएबल हासिल किया विच इज लीनियर फंक्शन ऑफ दैट उसको नाम दे दिया का तो तो अगर की की है हो जाएंगी सेवन थर्टी फाइव तो यहां से हासिल पता यह चला कि एक रैंडम वेरिएबल की बेसिस पर अगर उस रैंडम वेरिएबल का फंक्शन लिया जाए तो एक नया रैंडम वेरिएबल हासिल होता है सही है ये लॉजिकली हमें समझ आ गया कि एक रैंडम वेरिएबल से दूसरा रैंडम वेरिएबल कैसे हासिल होता है अब हम देखते हैं कि वॉट इज द इम्पैक्ट ऑन द एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंट कि अगर मुझे एक्स वाला रैंडम वेरिएबल एक्स रैंडम वेरिएबल की तमाम वैल्यूज पता थी तो वाई वाले रैंडम वेरिएबल की तमाम वैल्यूज निकल सकती है लेकिन अगर मुझे एक्स वाले रैंडम वेरिएबल की तमाम वैल्यूज पता ना हो बल्कि मुझे उसका एक्सपेक्टेशन और वेरियंस पता चल जाए अब एक्सपेक्टेशन क्या चीज है इन तमाम नंबर्स का एक्सपेक्टेशन का मतलब होगा इनका एवरेज और मीन का मतलब यहाँ पर सिंपल होता है तमाम वैल्यूज को ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करते और वेरियंस के लिए एक फॉमूला पड़ा करते थे अनग्रोप uh, डाटा का सिग्मा एक्स अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर

और एक नया रैंडम रैंडम वेरिएबल वेरिएबल हासिल हुआ, तो नये का एक्सपेक्टेशन क्या? ओरिजिनल डाटा होगा तो हम एक्सपेक्टेशन वेरियंस तो मैनुअली भी निकाल सकते हैं लेकिन अगर ओरिजिनल डाटा मेरे पास मौजूद ना हो तो फिर उस सूरत में एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस की बेसिस पर नया एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस निकलता है तो एक रैंडम वेरिएबल का अगर एक्सपेक्टेशन uh, एंड मेरे पास हो और मुझे मैं उसका लीनियर फंक्शन निकालूं तो लीनियर फंक्शन निकाल के एक नया रैंडम वेरिएबल हासिल होगा और उस नए रैंडम वेरिएबल की अगर एक्सपेक्टेशन और पूछा जाए तो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन ये चीज हमें समझनी है लीनियर तभी इस टॉपिक का नाम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल है लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रैंडम वेरियबल्स एक केस नंबर टू है लेकिन अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल एक है लेकिन उसका एक फंक्शन है उसका फंक्शन का मतलब क्या है कि वेरिएबल को किसी एक नंबर से किसी एक कांस्टेंट से भी किया उसमें कुछ ऐड भी किया देख सकते A B so y AX B, कि एक नया रैंडम वेरिएबल y हासिल हो गया अच्छा रैंडम वेरिएबल वाई जो है उसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑफ एक्स प्लस

एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मेरे पास मौजूद है उसको मैं ए से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर सिमिलरली, अगर मुझे कोई कहता है कि तो मैं समझ जाऊंगा मतलब जो का है, उसमें एंड में बी एड कर दूंगा तो एक्सपेक्टेशन ऑफ न्यू वेरिएबल एक्स प्लस बी आ जाएगा और अब हम इन दोनों बातों को मर्ज कर दें आप इन दोनों बातों को मर्ज कर दे तो ये वाला केस बन जाएगा कि अगर एक रैंडम वेरिएबल था और उसमें हमने मल्टीप्लाई किया और बी एड भी किया और एक नया रैंडम वेरिएबल हासिल हुआ जिसको नाम हमने वाई का दिया तो उस वाई का एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो हमारे पास मौजूद है या तो वो मौजूद होगा या शायद हो सकता है कि जैसे ऊपर हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाला यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल

और क्योंकि यहाँ ए एक्स में बी एड हो रहा है लिहाजा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स में ए मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें बी एड कर दें दे। तो, तो, दे। तो यहां से पता चला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल ये बात हो गई एक्सपेक्टेशन की कि अगर एक रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन दिया हुआ हो और मुझे उसके लीनियर फंक्शन का एक्सपेक्टेशन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं अब हम बात करते हैं वेरिएंस की। उसमें कुछ मल्टीप्लाई किया तो वेरिएंस ऑफ ए एक्स मतलब एक्स के हर नंबर में एक्स एक रैंडम वेरिएबल था उसकी हर नंबर में हर वैल्यू में हर वैल्यू को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई किया तो नए नंबर्स आ गए होंगे ए एक कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई किया तो नया रैंडम वेरिएबल आ गया होगा उस नए रैंडम वेरिएबल का क्या होगा तो याद रखेंगे तो इसका मतलब यह है कि एक्स जो नए नंबर आए हैं अगर मैं उनका वेरियंस निकालूंगा तो उनका वेरियंस कितना डिफरेंट होगा वेरियंस ऑफ एक्स से तो वेरियंस ऑफ एक्स को मुझे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब नंबर जो जो है जो है है रैंडम वेरिएबल वो तो सिर्फ A से मल्टीप्लाई हुआ है। लेकिन जो उसका हासिल हुआ वो सिर्फ ए से मल्टीप्लाई नहीं हुआ बल्कि वो स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ अच्छा और अगर यहां मैं आपसे कहूं कि एक रैंडम वेरिएबल एक्स था अब मुझे एक्स प्लस बी का वेरियंस निकालना है तो याद रखें वेरियंस ऑफ एक्स प्लस बी जो है वो सेम एज वेरियंस ऑफ एक्स होगा ये बात S1 में भी हम पढ़ते थे वहां हम सब्ट्रैक्शन करते थे कि एक रैंडम वेरिएबल एक्स था फिर हमने नई वैल्यूज निकाल ली एक्स माइनस ए हर वैल्यू में से ए सब्ट्रैक्ट किया तो हमें यह बताया जाता था कि वेरियंस डेविएशन ऑफ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स और ये बात बताई जाती थी कि जब किसी रैंडम वेरिएबल में कोई कॉन्स्टेंट एड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वेरियंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो पता चला कि जब किसी रैंडम वेरिएबल को नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए किसी से जब मल्टीप्लाई किया जाए तो हर नंबर में कुछ नंबर को हर नंबर में कुछ कॉन्स्टेंट एड किया जाए रैंडम वेरिएबल की हर वैल्यू में एक कॉन्स्टेंट नंबर एड किया जाए तो जो नए नंबर आए हैं उनका वेरिएंस और जो ओरिजिनल वेरियंस ऑलरेडी रैंडम वेरिएबल एक्स का था वो बराबर होते तो यहां से ये नोट तय आ गया और ये बात लॉक हो गई कि वेरियंस रिमेन्स कांस्टेंट इज एडेड और सब्रैक्टेड एज वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ स्प्रेड विच रिमेन्स तो वेरिएंस एक मेजर ऑफ स्प्रेड है तो जो नए नंबर्स प्लस या माइनस करके आए हैं उनका वेरिएंस और ओरिजिनल नंबर का वेरिएंस सेम होता है अच्छा अब जब मैं इन दोनों बातों को मर्ज करके एक्स प्लस बी को एक साथ पेश करूं तो ये वाला रिजल्ट सामने आता है भाई ऑफ निकालना है वॉट इज वाई वाई इज बेसिकली एक्स प्लस बी यानी कि लीनियर फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स तो अगर वेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस बी निकालना है तो आप यहाँ देखें कि एक्स में जो है वो ए क्या हो रहा है मल्टीप्लाई और बी क्या हो रहा है एड तो फिर फॉरन पता चला क्योंकि हम वेरियंस की बात कर रहे हैं तो एड होने से तो कोई डिफरेंस कोई डिफरेंस आता ही नहीं है एड होने से तो कोई मसला होता ही नहीं तो प्लस बी को हमने कर दिया इग्नोर हमने कहा सीधा -सीधा बी है।, मतलब तो है इसको हमने कंसिडर ही नहीं किया क्योंकि ये नंबर कॉन्स्टेंट एड हो रहा था हो सकता है यहाँ कोई कॉन्स्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो चाहे कॉन्स्टेंट एड हो रहा हो या सब हो रहा हो उसे हमें इग्नोर करना पड़ेगा

एक्नोलेज करते हैं चैट पे डेफिनेटली सब uh, जो है वो क्लियर लिख दिया करें ताकि आई एम श्योर के फीडबैक मुझे मिलता रहे कि एवरीवन इज लाइव एंड प्रेजेंट आई नीड फीडबैक फ्रॉम सही और साथ साथ आप लोग डेफिनेटली जो है वो ऐड भी करते जा रहे होंगे जो इंफॉर्मेशन में लिख रहा हूं तो ये इन्फॉर्मेशन आपने लिख ली होगी यकीनन साथ साथ सही है नहीं लिखी तो भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर आप इसको लिख लें वरना मेरी मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो आप लिख चुके होंगे क्योंकि बाकी सब तो लिखा हुआ अच्छा जी अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल की जाने ताकि हमें ये बात पता चल जाए एग्जाम्पल कहता है यही बात जो मैंने आपको सिखाई वही बात एग्जाम्पल कह रहा है मतलब वही बात एग्जाम्पल पूछ रहा है So, y. So, y, तो मतलब स मतलब मतलब निकालने लग गया अगर मैं पहले एक्सपेक्टेशन निकाल लेता तो वो भी सही गया बहर मसला कोई नहीं है एक्सपेक्टेशन लिख सकते तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालना है इसका मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ टू एक्स प्लस थ्री निकालना है और एक्सपेक्टेशन ऑफ टू एक्स प्लस क्या होगा टू टाइम थ्री फिल्म फोर प्लस थ्री विच इज सेवन और वेरियंस की अगर हम बात करें तो वेरियंस ऑफ टू एक्स प्लस थ्री Two square times variance of X, और plus 3 करने से जैसा कि मैंने आपको बताया कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसको हमें मद्देनजर रखने की जरूरत भी नहीं है तो ये हो जाएगा four times variance of X, और और कितना दिया दिया हुआ हुआ था variance of X था so four times किया, तो आंसर आंसर आ आ गया 6. तो तो, 3, X, आ गया सही है जिससे आया एक्सपेक्टेशन एंड ऑफ वायवन एंड सिक्स जनाब लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हमने कुछ भी नहीं किया बस खाली जो तो कॉन्सेप्ट किया था उसको अप्लाई कर दिया सही है ना आप साथ, साथ इसको लिख चुके होंगे सेवन एंड सिक्स हमारे आंसर्स होंगे अच्छा जी अब हम बात करते हैं केस नंबर टू की केस नंबर वन क्या था लीनियर फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल केस नंबर टू क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन रैंडम वेरिएबल बहुत ज्यादा चेंज नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअली हम काम उसी तरह कर रहे होंगे जैसे अभी हमने सीखा था लेकिन अब फर्क यह आया कि पहले एक ही रैंडम वेरिएबल था और उसी की बेसिस पर एक नया रैंडम वेरिएबल हासिल हुआ था अब क्या हुआ रैंडम वेरिएबल्स दो थे या दो से ज्यादा थे ली, जो टॉपिक का नाम वेरिएबल्स तो यहां आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन रैंडम वेरिएबल एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल का कॉम्बिनेशन तो एक रैंडम वेरिएबल था x और एक रैंडम वेरिएबल था y अब मैंने एक्स वाले रैंडम वेरिएबल जो है उसको उसकी हर वैल्यू को ए से मल्टीप्लाई किया और वाई वाले रैंडम वेरिएबल की हर वैल्यू को बी से मल्टीप्लाई किया और फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया और जो आंसर इनका आया उसको मैंने कहा कि इससे हमारा एक नया रैंडम वेरिएबल हासिल हो जिसको हमने कह दिया एस तो आई रिपीट एक रैंडम वेरिएबल था एक्स एक रैंडम वेरिएबल था वाई

अब ये जो रिलेशनशिप है ये मोर देन टू रैंडम वेरिएबल्स पर भी वैलिड हो सकता है तो अभी हम सिर्फ टू को देखते हुए चल रहे हैं लेकिन अगर चार रैंडम वेरिएबल्स भी ऐसे आ जाएंगे तो हम कर सकते हैं ax एक्स प्लस बी वाई कर लें अगर तो फिर इसी तरह का रिलेशनशिप चलेगा अभी हम दो के लिए समझ लेंगे तो फिर तीन चार पांच या दस भी आ जाए तो हमें टेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह तो देखते हैं लेट एस इज इक्वल टू ए एक्स

तो आप देख सकते हैं कि एक्स में क्योंकि ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल के उसमें ए मल्टीप्लाई कर दें और y में क्योंकि b मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकाल के उसमें b मल्टीप्लाई कर दें और क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं लिहाजा ये इन दोनों के रिजल्ट्स को आपस में ऐड कर दें तो आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ s हासिल हो जाएगा अच्छा अब जब वेरियंस की बात करते हैं तो वेरियंस में स्क्वायर वाली बात आ जाती है मल्टीप्लिकेशन की वजह से स्क्वायर हो जाता है तो वेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई

तो डिस्क्रीट तो और कंटिन्यूस की तो बात का फैसला हो गया कि वेरिएबल चाहे डिस्क्रीट हो चाहे हो, ये सारे रिलेशनशिप वैलिड है अब बात करते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट की क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ एस

तो y की वैल्यू का कोई ताल्लुक x की वैल्यू से नहीं है भाई x की वैल्यू अगर टू है तो y की वैल्यू फाइव आएगी x की थ्री है तो ही वाई की सेवन आएगीवन वैल्यू है तो वो इंडिपेंडेंटली आ सकती है तो x की वैल्यू फाइव के साथ भी y में सेवन आ सकती है और x की वैल्यू टू के साथ भी y में सेवन आ सकता है तो ये डिपेंड करता है ये वेरी करेगा और ये इंडिपेंडेंट होगा और इसका ताल्लुक ता, आपस में इनका ताल्लुक नहीं है जैसे एक डाइस एक्स है सिक्स साइडेड डाइस और एक डाइस वाई है थ्री साइडेड डाइस या फाइव फा, फा, फोर साइडेड डाइस अलग-अलग डैशेस होती हैं तो अब फोर साइडेड डाइस को फेंका और सिक्स साइड डाइस को फेंका सिक्स साइडेड डाइस सिक्स साइडेड डाइ बेसिकली सिंगल होती है तो हम डाइ कहते हैं सिक्स साइडेड डाइ को जब हमने फेंका और उसमें हमारे पास जो है वो 5 आया तो अब क्या वो डिटरमिन करेगा कि जो हम

Random, random को 3 से किया और फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एस अगर मुझे निकालना है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस का मतलब होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस एट ये हो जाएगा टू टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस थ्री टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई और एंड में कर देंगे प्लस एट तो यहां से यहां से हो जाएगा expectation of X कितना था तो अगर मैं यहां से आंसर निकाल लू तो मेरे पास डेफिनेटली एक आंसर आ जाएगा फोर प्लस फिफ्टीन नाइनटीन प्लस ए ट्वेंटी सेवन तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस जो मेरे पास आया दैट इज ट्वेंटी सेवन सही है जी तो ये बात हमने आ, समझ ली थोड़ी सी मुझे एडजस्टमेंट करने ले। अच्छा जी अच्छा अब हम बात कर रहे थे Uh, इसकी कॉम्बिनेशन की सही है अब वेरियंस की बात करते हैं वेरियंस की बात करते हैं तो इफ यू टॉक अबाउट वेरियंस वेरियंस ऑफ वाई वाई इज इक्वल टू सॉरी वेरियंस ऑफ वाई कर दिया मैं ध्यान हट गया वेरियंस ऑफ एस इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस एट अच्छा वेरियंस ऑफ टू वाई में ये चीज लिखना जरूरी नहीं है ये चीज खाली मैं आपके समझाने के लिए ऐसे ही लिख रहा था जरूरी नहीं है एक्सपेक्टेशन ऑफ एस निकालने के लिए आप क्या करेंगे वाई में थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो जाएगा। और में थ्री तो का स्क्वायर नाइन होता है तो प्लस नाइन टाइम्स वेरियंस ऑफ y हो जाएगा और जो प्लस एट हो रहा है उसके ऐड या सब्रैक्ट करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लिहाजा प्लस 8 को वेरिएंस के लिए हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ़ एक्स व्हिच इज़ 1.5 प्लस 9 टाइम्स वेरिएंस ऑफ़ वाई व्हिच इज़ 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 4 टाइम्स 1.5 प्लस 9 टाइम्स 2, 9 टूज़ है 18, 18 प्लस 6, 24। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 24। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक

Which is 26 minus 14 आंसर विल बी 12. फिर हम बात करते हैं वेरिएंस ऑफ एल माइनस बी वेरिएंस ऑफ एल माइनस बी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एल अच्छा अब माइनस वेरिएंस ऑफ बी नहीं होगा ये हो जाएगा प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ बी क्योंकि था तो के पीछे वन था तो 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 का स्क्वायर ही होता है तो मैंने लिखा ही नहीं था लेकिन यहां क्या है कि यहां जाएगा। तो हो जाएगा, जब इनको मैं ऐड करूंगा तो प्लस माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव तो यहाँ से एक नोट भी नीचे लिखा हुआ आपको नजर आएगा कि कंबाइन हो तो वो हमेशा ऐड ही होते हैं क्या वजह है भाई जो भी नंबर होता है रैंडम वेरिएबल के पीछे उस नंबर का तो स्क्वायर हो जाता है तो अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो वो नेगेटिव का स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी लिहाजा जब वेरियंसिस कंबाइन होते हैं देखें एक्सपेक्टेशन तो सब हुई ना आपस में लेकिन आर आर दे ऑलवेज एडेड तो यहां से आ जाएगा वन टाइम्स वेरियंस ऑफ एल वेरियंस ऑफ एल हो जाएगा और प्लस वेरियंस ऑफ बी हो जाएगा अल्टीमेटली हुआ go, the था वन तो फोर प्लस so 12. 12 है ये 12 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ 5 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा सही है जी तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री की एक्सपेक्टेशन ऑफ l 15 है वेरिएंस ऑफ l 3 है एक्सपेक्टेशन ऑफ b 20 है वेरिएंस ऑफ b 2 है एंड वी हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ 2l minus 3b एंड वी हैव टू फाइंड वेरिएंस ऑफ 2l 3b तो अब क्या किया जाए तो अब यहाँ देखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ 2l minus 3b इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ l माइनस 3 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ b

और फिर वेरिएंस की अगर हम बात करते हैं थर्टी माइनस सिक्सटी हो गया माइनस थर्टी और वेरिएंस की अगर हम बात करते हैं तो वेरिएंस ऑफ टू एल माइनस थ्री बी इज इक्वल्स टू तो ये हो जाएगा टू का स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ एल प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ बी सही है जी ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ और यहाँ से आप जब कंबाइन किया तो ये टू टाइम्स टू स्क्वायर हो गया फोर फोर टाइम्स वेरियंस ऑफ एल्थ हो गया फोर टाइम्स थ्री प्लस नाइन टाइम्स वेरियंस ऑफ वे बी और वेरियंस ऑफ बी कितना है टू तो फोर टाइम्स थ्री प्लस नाइन टाइम्स टू तो ये हो जाएगा एटीन एटीन प्लस ट्वेल्व विच इज थर्टी वेरियंस ऑफ एल आ गया थर्टी तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ गया माइनस थर्टी ये आ गया हमारा आंसर और यहाँ से जो आंसर आया थर्टी ये हमारा आंसर हो गया नतीजा ये हासिल हुआ कि आर आर दे ऑलवेज एडेड सब्ट्रैक्शन में एक्सपेक्टेशन सब्ट्रैक्ट होती है लेकिन वेरियंस जो है उसको एड ही होना होता है ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं वो मैंने आपके सामने ले आया हूँ जो मैंने सॉल्व किए थे मुझे जरा एक्नॉलेज करें कि क्या ये तीनों एग्जाम्पल्स हर बच्चे को समझ आ गए हैं किसी हवाले से किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो नहीं है प्लीज एक्नॉलेज कर दो कॉपी भी कर लें और एक्नॉलेज uh, भी कर दें अच्छा जी तो हमने इसके दो केसेस देख लिए एक हमने देखा एक्सपेक्टेशन सॉरी लीनियर फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल केस नंबर वन फिर हमने देखा लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ मोर देन वन रैंडम वेरिएबल जो टॉपिक का बेसिकली नाम है लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स तो ये हमने जो है वो दो केसेस देख लिए अब हम आते हैं तीसरे केस की जान केस नंबर थ्री केस नंबर थ्री कह रहा है लीनियर रिलेशंस इन्वॉल्विंग मोर देन वन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल फर्स्ट केस में क्या देखना चाहते हो बेटा ये केस नंबर वन है पूरा आपके सामने सही है देख लिया स्क्रीन शॉट ले लिया केस नंबर मोर देन वन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स लीनियर रिलेशन इन्वॉल्विंग मोर देन वन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स अच्छा जरा इस सवाल को पहले पढ़ें यहाँ से पता ये चल रहा है कि रैंडम वेरिएबल तो x ही है लेकिन उस रैंडम वेरिएबल किसी एक रैंडम वेरिएबल की एक से ज्यादा की बात हो रही है किसी एक रैंडम वेरिएबल की एक से ज्यादा की बात हो रही है तो so, अब यहां मैं वजाहत भी लिखी है मेकिंग टू ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स थ्री एंड वेरियंस ऑफ एक्स इज फोर जो एक रैंडम वेरिएबल है जो एक रैंडम वेरिएबल है एक्स उसकी उसका एक्सपेक्टेशन भी है और उसका वेरिएंस भी है उस रैंडम वेरिएबल का जो एक्सपेक्टेशन है वो है थ्री और जो इस रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस है वो है फोर। तो हमें एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस दोनों पता है अब जब मैं एक रैंडम वेरिएबल की दो पर्टिकुलर वैल्यूज को देखता हूं तो वो जो दोनों वैल्यूज आती हैं वो जो दोनों ऑब्जर्वेशंस आती हैं वो आपस में सेम तो नहीं होती वो भी अलग अलग होती है तो क्यों कैसे अलग होती है क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स थ्री है मतलब अगर कोई वैल्यू देखी जाए की कोई वैल्यू को उठाया जाए तो एवरेज जो इसका है वो थ्री है एवरेज वो वैल्यू थ्री है लेकिन उस वैल्यू का वेरिएंस फोर है इसका मतलब उसका स्टैंडर्ड डेविएशन टू है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि ऑन एवरेज हर वैल्यू जो है वो मीन से इतना डेविएट करती है स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट क्या है ज mean. Mean कितना तो वैल्यूज मीन से डेविएट करती है उसको कहते हैं तो इसका मतलब कोई भी मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पे अगर हाथ रखू तो एवरेज वैल्यू उसकी कितनी हो सकती है मतलब तमाम वैल्यूज डिफरेंट है उनका एवरेज थ्री आया मतलब मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वैल्यू का जो एवरेज तमाम वैल्यूज का एवरेज थ्री है तो ऑन एवरेज वो वैल्यू थ्री होगी लेकिन फिर की जब वैल्यू देखी तो पता चला कि यार इन वैल्यूज का तो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका मतलब तमाम वैल्यूज आपस में डिफरेंट है तो इसीलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि पहली ऑब्जर्वेशन को नाम दिया गया है एक्स वन और दूसरी वैल्यू को नाम दिया गया है एक्स टू तो. और ये दोनों ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट हैं ये दोनों ऑब्जर्वेशन क्या है इंडिपेंडेंट अब डाइस को थ्रो करते हैं तो डाइस को थ्रो करने के बाद हो सकता है तो, तो तो एग्जाम्पल देखा था लेकिन जब नंबर आएगा तो वो वन भी हो सकता है वो टू भी हो सकता है वो सिक्स भी हो सकता है फाइव भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो जब कोई एक, एक दफा डाइस फेंका तो एक नंबर आया दूसरी दफा डाइस फेंका तो दूसरा नंबर आया तो रैंडम वेरिएबल तो वही एक्स है लेकिन उसकी पहली ऑब्जर्वेशन वन थी उसकी दूसरी ऑब्जर्वेशन फाइव थी तो हर वैल्यू जो है और जो पहली दफा आया था तो क्या दूसरी दफा भी बनाएगा नहीं पहली दफा कुछ भी आया हो दूसरी दफा इंडिपेंडेंटली आएगा तो पता ये चला कि अगर कोई एक रैंडम वेरिएबल जिसका एक्सपेक्टेशन और वेरियंस डिफाइंड हो एक रैंडम वेरिएबल जिसका एक्सपेक्टेशन और वेरियंस डिफाइंड हो अच्छा चाहे वो वेरिएबल डिस्क्रीट हो चाहे वो कंटिन्यूस हो अभी हम आगे आने वाले हैं इंशाल्लाह Uh, तो हमें याद आपको होगा इनशाला उस बारे में मजीद गुफ्तु भी होगी लेकिन अभी मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे कि जब आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आपके सामने आता था तो इस तरह से लिखा होता था एक्स बिलोंग्स टू नॉर्मल इस तरह से लिखा होता था एक्स बिलोंग्स टू नॉर्मल और फिर दो वैल्यूज लिखी होती थी एक होती थी मीन की वैल्यू और एक होती थी वेरिएंस की वैल्यू तो इसका मतलब होगा कि एक्स इज अ अंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल व्हिच इज इसका मतलब ये होगा कि अगर एक्स की मैं मल्टीपल वैल्यूज लूंगा पहली वैल्यू एक्स वन लूंगा और दूसरी वैल्यू लूंगा दो वैल्यूज लेता हूँ समझ लिया तीन भी लेता हूं या दस भी लेता एक्स टू लिया एक्स थ्री लिया, लिया अगर मैं एक रैंडम वेरियबल की बहुत सारी वैल्यूज लेता हूँ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और उन तमाम वैल्यूज

तीसरी दफा फिर वन आ सकता है कुछ पता नहीं लेकिन इंडिपेंडेंट है ये जरूरी है तो अब यही मैं यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ी देर में आप इंशाल्लाह इसको समझेंगे कि इफ देर आर टू ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएबल एक्स और जो वेरिएबल एक्स है उसका एक्सपेक्टेशन और वेरियंस डिफाइंड है वो चाहे अलग से इस तरह से डिफाइंड है या वो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में डिफाइंड है याद रखें उसकी पहली ऑब्जर्वेशन x1 है तो उसकी दूसरी ऑब्जर्वेशन x2 होगी और अगर तीसरी भी आ जाएगी तो वो x3 होगी 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 चौथी हो तो x4 सो लेकिन हर ऑब्जर्वेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होगी इसलिए उसका नाम डिफरेंट होना जरूरी है पहली ऑब्जर्वेशन को अगर मैं एक्स कहता हूँ तो दूसरी को एक्स नहीं कह सकता क्योंकि देखने वालों को कंफ्यूजन ये हो जाएगी कि ये सेम ऑब्जर्वेशन ही दो दफा है तो जब x1 और x2 लिखा हुआ है इसका मतलब x1 एक अलग ऑब्जर्वेशन और x2 एक अलग ऑब्जर्वेशन अच्छा अब एक

लीनियर कॉम्बिनेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं जो लीनियर रिलेशनशिप देख रहे हैं बिटवीन मल्टीपल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सिंगल रैंडम वेरिएबल उसके लिए ये जरूरी है कि वो ये दो ऑब्जर्वेशन आपस में इंडिपेंडेंट हों क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तो ये जो रिलेशनशिप आपके सामने लिखा हुआ है ये वैलिड नहीं होगा <coughs> तो पहले मैं इस बारे में थोड़ी सी बात अच्छा पहले मैंने एक्सपेक्टेशन को छोड़ दिया एक्सपेक्टेशन का तो मसला है ही नहीं एक्स वन और एक्स टू आपस में इंडिपेंडेंट हो या X, X1, X2 आपस में डिपेंडेंट हो ये वाला फॉर्मूला रिलेशनशिप है ये तो वैलिड होगा ही होगा लेकिन वेरियंसिस के लिए जो है वो जरूरी है कि ऑब्जर्वेशन आपस में क्या हो इंडिपेंडेंट हो ये बात हमने पहले भी कर दी थी तो इंडिपेंडेंट का लवेन्सिस के लिए खास है जो आपको हमेशा याद रखना है कभी आपसे कुछ पूछा भी जाए थी पॉइंट ऑफ व्यू से एक मार्क के लिए तो आपको पता हो कि ये ये जो जो इनका कॉम्बिनेशन है ये सिर्फ तब वैलिड है जब ये आपस में क्या है इंडिपेंडेंट है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू अगर मुझे निकालना है। दो ऑब्जर्वेशन है एक है एक्स वन और एक ऑब्जर्वेशन है एक्स टू और मुझे कोई कह रहा है कि आप इन दोनों को क्या करो एड करो तो क्योंकि जैसे हम एक्स और वाई अलग अलग रैंडम वेरियबल देते थे और उन दोनों को जब कम्बाइन करते थे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हो जाता था यही काम जैसे एक्स और वाई हुआ करते थे समझे वैसे ही एक्स वन प्लस एक्स टू

के मैं इस एक्सप्लेनेशन के बाद इनशाला उस कंफ्यूजन को कैटर करने की कोशिश करूं गारंटी किसी चीज की बाहर नहीं है कोशिश पूरी होगी गारंटी मिलेगी इनशाला सवाल के साथ सही है मतलब एग्जाम्पल तो मैंने आगे बनाया हुआ है इनशाला आपको उससे क्लैरिटी थोड़ी मिलेगी लेकिन क्योंकि केस थ्री और केस फोर के बाद मैंने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है जो पास पेपर लेवल का जैसा ही सवाल है इससे आपको इनशाला कंफ्यूजन आपकी थोड़ी और मजीद क्लियर होगी लेकिन अभी मैं जितना समझा सकूंगा इनशाला मैं समझाऊंगा अब यहाँ एक बात समझाने की कोशिश की गई है वो आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा अगर मुझे expectation of 2x निकालना होता था तो मैं कहता था एक्सपेक्टेशन ऑफ टू एक्स टू टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स या ऊपर हम देख कर आ गए which is 2 times 3, आ जाता, 6. लेकिन अगर मैं वेरियंस ऑफ टू एक्स निकालना चाहता तो मैं 2 स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स कहता था और वेरियंस ऑफ एक्स उस केस में फोर्थ से मल्टीप्लाई हो के 16 आंसर आता था तो आप देखें टू एक्स टू एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ टू एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू इनका आंसर सेम आए लेकिन वेरिएंस ऑफ टू एक्स का और वेरियंस ऑफ एक्स वन का इनके आंसर डिफरेंट आए हैं इसका ये मतलब हुआ कि अगर तो कोई ये कह दे कोई ये कहे कि वेरिएंस ऑफ टू एक्स निकालने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं इस तरह कर देता हूं कोई ये कहना चाहे कि भाई वेरिएंस ऑफ निकालना है तो मैं काम करता हूं वेरिएंस ऑफ टू एक्स को तोड़ के वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस एक्स कर देता हूं चालाकी करने की कोशिश की उसने किसी बच्चे ने और कहा टू एक्स तो एक्स प्लस एक्स होता है और वेरिएंस ऑफ टू एक्स निकालने के लिए वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस एक्स निकाल लेता हूं मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल लेता हूं तो फिर उस सूरत में तो वेरिएंस ऑफ एक्स टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है दो दफा ऐड हो रहा है मतलब टू से वेरिएंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि असल में तो फोर से मल्टीप्लाई होना चाहिए था तो ये बात तो गलत हो गई इसीलिए यहां लिख देते हैं कि भाई वेरिएंस ऑफ को ब्रेक करके वेरिएंस ऑफ x x नहीं कह सकते और वेरिएंस ऑफ x x वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरियंस एक्स के बराबर नहीं हो सकता क्यों नहीं बराबर हो सकता बिकॉज एक्स एक्स एंड आर नॉट इंडिपेंडेंट तो ये बात साबित हो गई कि जो हमने बात की थी कि ये दो ये जो रिलेशनशिप होता है कि भाई ये दो जो चीजें ऐड हो रही हों दोनों के इंडिविजुअल वेरियंश को आपस में ऐड कर दें ये बात इस केस में वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि एक्स और एक्स तो बिल्कुल सेम है यही बात यहां लिखी हुई एज द वेरिएबल्स एक्स एंड एक्स आर नॉट इंडिपेंडेंट

वो आया था एट तो ये आपस में बराबर नहीं है ये आपस में बर, बराबर नहीं है क्यों बराबर नहीं है क्योंकि वेरिएंस ऑफ टू एक्स को हम ऑफ़ X X में म X X हो लेकिन ऑब्जर्वेशन तो कम से कम डिफरेंट हो यहाँ तो रैंडम वेरिएबल भी सेम है और ऑब्जर्वेशन भी सेम है तो ये तो बहुत ही बड़ा भंड है यहाँ वेरियंसिस का रिलेशनशिप जो है वो मीट सेटिस्फाई नहीं होता लिहाजा ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट नोट की फॉर्म में बयान करता है जो कंफ्यूजन बच्चों को होती है और जिसमें बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं उसको केटर करने के लिए यह नोट आपके सामने मौजूद है जो कहता यह है देर फॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग क्लियरली बिटवीन सिचुएशन इन विच अगल ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई अ कॉन्स्टेंट एंड दो इन विच सेवरल डिफरेंट ऑब्जर्वेशन

ये आपस में अलहदा अलहदा है इनको बहुत अच्छी तरह से पहचान लो किसी एक ऑब्जर्वेशन किसी एक रैंडम वेरिएबल की एक ऑब्जर्वेशन को एक्स कहा और उसको किसी कॉन्सेंट से मल्टीप्लाई किया ये और बात है और एक रैंडम वेरिएबल की मल्टीपल ऑब्जर्वेशन ली गई और उनको आपस में ऐड किया ये और बात है ये दोनों बातें आपस में डिफरेंट है इन दोनों को मिलाना नहीं है नोट फॉर्म में ये बात बयान हो गई और इनशाला अभी एग्जाम्पल जो आएगा केस uh, फोर और केस थ्री को मिलाकर एक बात बताई जाएगी तो वो एग्जाम्पल के थ्रू ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होगा और जब पास पेपर्स के सवाल होंगे सॉल्व तो ये बात मजीद आपको समझ आ जाएगी पहले मुझे बताएं कि कुछ आपको यहाँ तक आइडिया मिला क्या लीनियर रिलेशन इन्वॉल्विंग मोर देन वन ऑब्जर्वेशन ऑफ एबल एक्स वाला कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर हुआ या नहीं हुआ मुझे बता दें यहाँ तक एक्नोलॉज कर दें इट्स क्लियर क्लियर लिख दें ताकि मैं इस बात को आगे ले जाऊं फिर बात को मैं आगे करूं इनशाला आगे ले जाऊं मतलब एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हुए जी इंशाला बिल्कुल क्वेश्चन देखकर बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा अल्लाह के हुक्म से इनशा सही है जनाब जना जबरदस्त यहां तक बात समझ आ गई आ जाते हैं केस नंबर फोर अच्छा, केस नंबर फोर केसेस तो हमने पढ़ लिए हैं समझ तो हमें आ आगे लीनर कॉम्बिनेशन काम्बिनेशन कैसे करते हैं अब हम केस नंबर फोर देखते हैं केस नंबर फोर में जिक्र क्या है जिस बात का जिक्र है वो बात कर लेंगे तो केस नंबर फोर छोटा सा ही कवर हो जाएगा केस नंबर फोर कहता है लीनियर फंक्शन वेरिएबल्स अब तक हम जो बात कर रहे थे उसमें हमने केस नंबर में क्या पढ़ा था लीनियर फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल फिर हमने केस नंबर टू में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल पढ़ा केस थ्री में हमने लीनियर रिलेशन इन्वॉल्विंग मोर देन वन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल पढ़ा अब हम पढ़ रहे हैं लीनियर फंक्शंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरियबल मतलब जो ऊपर हमने बातें की हैं वही बात आ रही है यहाँ पर भी.

नॉर्मली नॉर्मल एस वन का एक अहम टॉपिक हमने पढ़ा था टॉपिक नंबर फाइव एस टू की जान है वो टॉपिक जहां देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टपक जाएगा हर टॉपिक में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ रोल प्ले कर ही देता है सिवाय तीसरे टॉपिक जो कि रैंडम है वो continuous पे उस उसमें कुछ डिफरेंट बातें बतानी है बहरहाल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका एस का बड़ा अहम हिस्सा है जो मैं पहले भी बताता रहा हूं तो रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं ये वो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मॉडल्ड होती है बाय द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटेन्यूस रैंडम वेरिएबल्स हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज मॉडल्ड बाय द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिन रैंडम वेरिएबल्स के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक सुटेबल मॉडल हो ऐसे रैंडम वेरिएबल्स को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स कहा जाता है समझ लें ये वही बात है कि भाई एक रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका मतलब उसका एक मीन भी है उसका वेरियंस भी है

या वाई को इन्वॉल्व करते हुए कोई लीनियर फंक्शन बनाऊ एक्स और वाई आपको आपस में कम्बाइन करके कोई एक कॉम्बिनेशन ऑफ वाई इन तमाम केसेस में याद ये रखना है कि अगर जिन वेरिएबल्स को कम्बाइन किया जा रहा है उनकी इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब दे आर मॉडल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल होगी या तो उनका लीनियर फंक्शन होगा किसी एक रैंडम वेरिएबल का या फिर दोनों रैंडम वेरिएबल्स को या उससे ज्यादा रैंडम वेरिएबल्स को जिनकी इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है अगर उनको कंबाइन किया जाएगा तो फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगी वो भी नॉर्मल होगी इसका मतलब ए एक्स प्लस बी वाई का जो फाइनल आंसर बने जो भी वो होगा वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और उसका भी एक मीन और वेरिएंस होगा इसी तरह अगर ए एक्स प्लस बी को देखा जाए या ए वाई प्लस बी को देखा जाए तो ए एक्स प्लस बी जो होगा वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और उसका भी एक मीन और एक एक्स होगा तो यही बात यहाँ बयान करने की कोशिश है कि आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल हैज अ अ प्रॉपर्टी दैट लीनियर फंक्शन ऑफ इट इज ऑल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और बोल्ड में लिख दिया कि अगर एक्स की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ए एक्स प्लस बी की भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगी

बाकी सब में ये नहीं होता भाई तो दो वेरिएबल्स हैं जो वेरिएबल्स हैं, उसमें एक एक्स है और एक वाई है और हम AX BY का देखें। तो अगर एक्स और वाई इंडिविजुअल ही रखेगा नहीं ऐसा नहीं लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा है कि जो इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल थी अगर तो फिर उसके कॉम्बिनेशन या फंक्शन की भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगी तो केस नंबर थ्री में हमने मोर देन वन ऑब्जर्वेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल पढ़ा था और वो रैंडम वेरिएबल कंटेनर्स और डिस्क्रीट दोनों हो सकता था मतलब ये जो एक्स है ये हो सकता था कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो हो सकता था ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो दोनों केसेस में सारे केसेस में ये केस थ्री वैलिड था केस फोर में हमने खसूस तौर पर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा कि अगर कोई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल कोई भी वेरिएबल एक या एक से ज्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रखता है तो उसका लीनियर फंक्शन या या लीनियर उसका लीनियर फंक्शन या उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रखेगा आइए ये सवाल पढ़ते हैं एग्जाम्पल देखते हैं तो केस थ्री एंड केस फोर दोनों को कैटर करता है मास ऑफ एन एमटी लिफ्ट केज इज के जी सवाल को पढ़ेंगे भी केस थ्री केस फोर के कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई भी करेंगे और जो कॉमन एरर है उसको आइडेंटिफाई करके उसको कोशिश करेंगे कि वो हमें समझ आ जाए अच्छी तरह से और ऐसा कोई भी एरर हम किसी सवाल में ना करें तो सबसे पहले एग्जाम्पल uh, को पढ़ते हैं प्रॉपर मास ऑफ एन एम टी लिफ्ट केज इज टू हंड्रेड एंड टेन के जी एक लिफ्ट केज का जो मास है वो दो सौ दस के जी है मास नॉर्मल सेवेंटी कॉमा नाइन फिफ्टी इसका मतलब जो मासज इन के जी ऑफ एडल्ट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है नॉर्मल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो सेवेंटी दिया हुआ है ये यकीनी तौर पे मीन की वैल्यू होगी और जो नाइन फिफ्टी दिया हुआ है ये यकीनी तौर पे वेरिएंस की वैल्यू होगी तो एक चीज होगी मीन की वैल्यू और एक होगी वेरिएंस की वैल्यू सेवेंटी कॉमा नाइन फिफ्टी अच्छा अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मास ऑफ द लिफ्ट केज कंटेनिंग एट रैंडम एक्सीड्स इस तरह के सवाल हमको एग्जाम में बहुत सारे मिलेंगे

तो एक्स भी कह सकता था भाई मैं मेरा दिल चाहता तो मैं एक्स भी कह सकता तो मैं ए कह रहा हूँ क्या मसला है कोई तो फर्क तो नहीं पड़ता तो ए बिलोंग्स टू नॉर्मल 70.950 कह देता हूँ सही है ये इसने लिखा हुआ था तो मैंने इसको ए बिलोंग्स टू नॉर्मल कर दिया तो ए एक एडल्ट है अच्छा अब मैंने कितने एडल्ट लिए टेन एडल्ट लिए दस एडल्ट लिए और साथ एक लिफ्ट केज लिया लिफ्ट केज का मास लिया और मिला के टोटल मास आ गया लिफ्ट केज का मास कॉन्स्टेंट है ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन तो रखता नहीं है ये कॉन्स्टेंट है और ये डेविएट नहीं होगा लेकिन जो एडल्ट का मास है पहले मुझे इस एक सवाल का जवाब दो, क्या ये दस जो मैं लूंगा क्या ये दस के दस एडल्ट का मास सेम होगा क्या ये दस के दस एडल्ट का मास सेम होगा अगर सवाल में लिखा होता कि एक एडल्ट अज्यूम करेंगे इसका मास कांस्टेंट है तो फिर तो सेम होता लेकिन यहां उसने कह दिया कि यार एडल्ट का जो मास है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका एक मीन और एक वेरियंस है इससे पता चला कि एक एडल्ट का एवरेज मास 70 केजी है और उसमें कुछ वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद है जिससे पता चला कि एक एडल्ट का मास दूसरे एडल्ट के मास से मैच होना बहुत मुश्किल हाँ इतफाकन हो सकता है मैच हो जाए लेकिन तकरीबन चांसेस ये हैं कि एक एडल्ट का मास दूसरे एडल्ट के मास से सेम नहीं होगा तो मैंने ऊपर बात कही थी ना केस थ्री में कि अगर किसी रैंडम वेरिएबल की चाहे वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या ना हो अगर किसी का एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस मीन और वेरिएंस बयान कर दिया जाए और फिर मुझे कहा जाए कि उसकी मुख्तलिवेशन लो अब वो ये तो नहीं कहेगा कि मुख्तलिशंस ले रहे हैं उसको किस तरह से बयान कर रहे हैं हम टेन एडल्ट ले रहे हैं तो टेन एडल्ट जो है ये दस के दस इसको आप समझ लें टेन ऑब्जर्वेशन हैं ये। और ये 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 डिफरेंट डिफरेंट हैं, सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि, ये कि किसी एक एडल्ट का मास्यूम करना है सवाल में एडल्ट के मास की डिस्ट्रीब्यूशन दी गई थी तो कभी डिस्ट्रीब्यूशन दी जाए या एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस स्पेसिफाई किया जाए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कभी डिस्ट्रीब्यूशन दी जाए मतलब मीन और वेरियंस बता दिया जाए किसी भी तरह चाहे से बयान किया जाए चाहे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड ऑफ़ एक्स करके बयान किया जाए मैं समझ जाऊंगा कि मल्टीपल वैल्यूज लेने पर मैं मल्टीपल ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं तो कोई अगर कहे टेन एन टाइम्स मास ऑफ ए ये बात बिल्कुल गलत होगी ये बहुत गलत बात है टेन ए नहीं कह सकते आप क्योंकि टेन ए का मतलब यह है कि आप एक एडल्ट को ले रहे हो और उसका जो भी मास आ रहा है उसको आप टेन से मल्टीप्लाई कर रहे हो जबकि यहाँ टेन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हैं जिसका मतलब होगा ए वन प्लस ए टू प्लस करते करते ए टेन तक ये मतलब है तो ये केस थ्री के मुताबिक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है टेन डिफरेंट अच्छा टेन डिफरेंट और फिर सात इंडिपेंडेंट भी हैं ये भी मैं यहां वाजे कर देता हूँ क्योंकि में तो मसला नहीं है टेन ए का निकाला जाए या ए A1 वन से A10 का निकाला जाए। मसला किस में आता है मसला तो वेरियंस में आता है 10A निकालने तो टेन स्क्वायर टाइम्स वेरियंस ऑफ ए हो जाएगा जबकि वेरिएंस ऑफ ए वन से टेन तक निकालने जाऊंगा तो वेरिएंस ऑफ ए वन प्लस वेरिएंस ऑफ ए टू से लेकर दस दफा वेरिएंस ऑफ ए प्लस होगा यानी कि वेरिएंस ऑफ ए सीधा सीधा टेन से क्या होगा मल्टीप्लाई टेन तो ए और ए वन से लेकर ए टेन में फर्क है तो याद रखें ये फर्क कैसे पता चला कि क्योंकि एक की डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था हर ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगी अच्छा अब मुझे तो so मैं काम करता हूँ टी दे देता हूँ टी तो लेट टी इज इक्व टू टी यानी टोटल मास इज इक्व टू टेन एडेट्स मास ऑफ टेन एडेट्स थाउजेंड so तो पहले उसको नाम दे देते हैं हमेशा ये बेहतर होता है किसी भी सवाल में ये बेहतर होता है कोई नाम दे दिया जाए तो मैंने नाम दे दिया उसको कि भाई लेट टी बी द टोटल मास

इसका मतलब उसका कॉन्सेप्ट बहुत कच्चा है उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कभी भी नहीं कर सकते आप ये काम टेन टाइम्स ए प्लस टू हंड्रेड बहुत बड़ा भंड है 10 times A का मतलब सेम एक मास दस से मल्टीप्लाई हो रहा है और ए वन से लेकर ए टेन तक प्लस होने का मतलब यह है कि दस डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आपस में एड हो रही है ये केस थ्री का कॉन्सेप्ट आपके सामने बयान कर रहा हूं अब इस मुताबिक अगर मैं आपसे कहता हूं आप एक्सपेक्टेशन ऑफ टी निकालो तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी निकालने का लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ ए वन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए टू प्लस टू हंड्रेड एंड टेन एक्सपेक्टेशन एड होता है तो तो वो सेवन था तो इसका मतलब दस दफा ये प्लस हुआ एक दो से लेकर दस तक प्लस हुआ तो मैं कह सकता हूं सेवनटी है उसको टेन से मल्टीप्लाई कर दें एक्सपेक्टेशन ऑफ ए को टेन से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसमें टू हंड्रेड एंड टेन को प्लस कर दें तो यहाँ से 70 10, 700, 700, 700, 200, 110, 910 हो जाएगा तो ये जी आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टोटल मास टोटल मास की एक्स का एक्सपेक्टेशन टी एक रैंडम वेरिएबल है लेट द रैंडम वेरिएबल टी बी ए वन से लेकर ए टेन तक प्लस टू हंड्रेड एंड टेन एंड नाउ वी आर फाइंडिंग

तो केस नंबर फोर कहता है कि अगर कोई एक रैंडम वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसका फंक्शन भी और उसका कॉम्बिनेशन भी, वो भी रैंडम वो भी लीनियर फंक्शन भी और लीनियर कॉम्बिनेशन भी वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो यहां से पता चला भाई यहां से पता चला इन दोनों को देखकर कि टी जो है उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी टी भी जैसे ए ए जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड था और ए की इंडिपेंडेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ली गई और फिर एक कॉम्बिनेशन बनाया गया तो जो नया वेरिएबल टी आया वो टी भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ये केस फोर ने बताया केस फोर ने बताया कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या तो उनका लीनियर फंक्शन निकाला जाए या लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जाए

और मुझे किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो सबसे पहले

So, z उज माइनस नाइन हंड्रेड एंड टेन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ नाइन्टी फाइव हंड्रेड यहां से आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी फाइव हंड्रेड यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट और जेड की जो वैल्यू हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन जीरो पॉइंट नाइन टू थ्री

एक चीज अज्यूम नहीं कर रहे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मदद लेने भीख मांगने नहीं जा रहे उससे मदद लेने नहीं जा रहे बल्कि भाई ये तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन या लीनियर फंक्शन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डिफॉल्ट होता है इसमें कोई कंटिन्यूटी करेक्शन की हमें जरूरत नहीं है तो Z इज ग्रेटर देन 0.923 जब निकालने लगे तो बाकी काम तो आपका कॉन्सेप्ट कहेगा और वो क्या है भाई कि अगर आपका एक ग्राफ बना हुआ है और आपको 0.923 एक वैल्यू है और 0.923 वैल्यू जो है उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये तो छोटा रीजन बनता है और छोटे रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए वन में से फाइव जेड को माइनस कर देंगे इसका मतलब 0.923 को आप रीड करेंगे और वन से माइनस कर देंगे रीड करना हम सबको आता है रीड करके जब हम माइनस करेंगे तो फाइनली हमारे पास एक आंसर आ जाएगा तो मेरे ख्याल से इसके बाद कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगी जरा मुझे बताएं कि क्या यहाँ तक कोई निकाल ले तो मुझे आंसर भी बता दे तो मैं वो भी लिख दूंगा कि प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या था और फिर फाइनल आंसर क्या था सही है फार्मूला शीट तो हमारी खुली भी है 0.923 आराम से निकल भी जाएगा 0.9 2 और फिर यहां से आ जाएगा 3 0.923 तो 0.8212 में एट ऐड कर देंगे तो एट टू टू जीरो जीरो हो जाएगा पॉइंट एट डबल टू जीरो पॉइंट एट डबल टू जीरो पॉइंट एट डबल टू और वन से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट वन सेवन एट माई फाइनल आंसर विल बी जीरो पॉइंट वन सेवन एट बड़ा अहम एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल और अहम एग्जाम्पल जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से काम करना है मुझे जरा बताएं कि क्या ये बात हम सबको क्लियर हुई है क्या हम समझे हैं इस एग्जाम्पल को क्या केस थ्री एंड केस फोर को कंबाइन करके जो चीज आई है क्या वो हमें समझ आई है प्लीज एक्नोलेज करें बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी था और मैंने बड़ी जान मार के समझाया ताकि केस थ्री का कॉन्सेप्ट और केस फोर का कॉन्सेप्ट दोनों आपके सामने बिल्कुल पानी की तरह आ जाए तो इज इट क्लियर टू एवरी वन चले अलहदुल्ला यहां तक बात क्लियर है अच्छा अब एक छोटा सा केस है केस नंबर फाइव इसकी तरफ आते हैं ताकि हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स की एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट मुकम्मल हो जाए केस नंबर फाइव कहता है

लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इसीलिए पॉइन में ऐसा नहीं है लेकिन फिर इस केस का मकसद क्या है फिर? इस केस का मकसद यह है कि भाई अगर दो इंडिपेंडेंट हैं एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई तो फिर उस सूरत में अगर हम दोनों का हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं उन दोनों वेरिएबल्स को ऐड कर रहे हैं एक्स और वाई को क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं जब दोनों एक्स और वाई को प्लस कर रहे हैं तो फिर वन एक्स प्लस वन वाई करना होगा टू एक्स प्लस थ्री वाई नहीं कर सकते सिर्फ उनको सिंपली ऐड करना है किसी कॉन्सेंट से मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी बल्कि क्या करना है उनको सिंपली ऐड करना है

y की डिस्ट्रीब्यूशन पॉइन थी उसके तो उसके तो मीन और वेरियंस बराबर थे ही लेकिन जब एक्स प्लस वाई की कैलकुलेशन देखी तो उनके भी मीन और वेरिएंस क्या आ गए बराबर आ गए क्योंकि इनके मीन और वेरिएंस बराबर आ गए तो ये बात हम कह सकते हैं क्योंकि है? है. ये चीज तभी ट्रू होगी जब इंडिपेंडेंट है इसीलिए लिखा हुआ है के एक्स प्लस वाई के मीन और वेरियंस भी बराबर है लिहाजा x प्लस वाई की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगी प्रोवाइडेड एंड आर इंडिपेंडेंट लेकिन याद रहे केस फोर और केस केस और में में क्या फर्क आया फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था कोई वेरिएबल तो उसका लीनियर फंक्शन या लीनियर कॉम्बिनेशन भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था लेकिन वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि डायरेक्ट ऐड होना है वहां तो कुछ भी मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई भी करते कोई टेंशन नहीं थी लेकिन यहाँ क्या है

बेसिकली अगर मैं इसको एस का नाम दूं तो एस के क्योंकि मीन और वेरियंस आपस में बराबर नहीं है लिहाजा एस की डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन नहीं हो सकती तो पॉइजॉन के कॉम्बिनेशन में सिंपली सिर्फ सम सिंपल सम है तो फिर जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगी वरना नहीं होगी ये आपकी केस नंबर फाइव की एक्सप्लेनेशन थी जिस नॉलेज को आप अच्छा जो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पुराना जितना आपने पढ़ा है उस नॉलेज को आप आगे लेकर पढ़ेंगे मतलब पॉइजोन अगर आपने पढ़ लिया एक दफा अब आगे जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसमें कहीं भी पॉइजॉन आ सकता है जो सवाल पांच रिपोर्ट के करेंगे उसमें कहीं भी पॉइजन आ सकता है तो पॉइजन की नॉलेज को आपको वहां तक लेकर जाना होगा तो एक चीज आपने अब लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे टॉपिक थ्री टॉपिक फोर में जाएंगे तो कहीं लीनियर कॉम्बिनेशन का लगेगा तो उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे मतलब समझ लें जिस सीक्वेंस में हमारा टॉपिकल कंबाइंड है वो सीक्वेंस ही ऐसी है कि इसके अंदर जो है जो चीज हमने एक दफा पढ़ ली उस कॉन्सेप्ट को आगे किसी जगह टॉपिक में इस्तेमाल किया जा सकता है इसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरह हमने कवर कर लिया कॉन्सेप्ट को समझ लिया एक्नोलेज करें क्या ये केस नंबर फाइव भी क्लियर है Is it clear to everyone? Please ज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है अल्लाह का कर्म है एक मिनट को पूछ रहे हैं सर केस फाइव में वन से मल्टीप्लाई हो रहा होगा जी हमेशा वन से मल्टीप्लाई होगा जी बिल्कुल पास ऐसा ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा नंबर अदर देन ऑलवेज वन राइट चलिए अलहमद इसके साथ लीनर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरियबल्स की एक्सप्लेनेशन को मुकम्मल कर लिया है कुछ सवाल इनशाला ट्राई कीजिएगा सवाल ट्राई करने के बाद फीडबैक शेयर कीजिएगा इन जिस किस्म के मसले मसाइल आ रहे होंगे उस तरह के सवाल को इन शाह डील करेंगे और मिलते हैं इन शाला अगली क्लास में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़